माइक्रोब्स फ्रेंड एंड फोए, तो हमारा चैप्टर चल रहा था। इसके अंदर हमने सारे जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनके बारे में डिस्कस किया था। अब हम हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हार्मफुल माइक्रोब्स कौन से होंगे जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज का कोज करते हैं, ठीक है, डिजीज फैलाएंगे जो हमारी बॉडी के अंदर, या उनको हम बोल सकते हैं डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स इन अवर एनवायरमेंट, तो उनको हम हार्मफुल माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं। तो डिजीज कॉजिंग जो माइक्रोब्स होंगे उनको हम दूसरी टर्म देंगे जिनको हम बोलते हैं पैथोजन। पैथोजन क्या होगा? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजन, उनको हम क्या बोलेंगे, पैथोजन बोलते हैं। तो जो माइक्रोब्स है वो फूड को स्पॉइलिंग का भी काम करते हैं, फूड स्पॉइल कर देते हैं फॉर कुछ टाइम पे। हमने कई बार फूड रख दिया लॉन्ग टाइम तक तो वो फूड हमारा स्पॉइल कर देते हैं, क्लोथिंग लेदर इनको खराब कर देते हैं। तो इसके बारे में हम और ज्यादा पढ़ते हैं आगे। तो माइक्रोब्स जो हैं कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर भी इन्वॉल्व होंगे। कम्युनिकेबल डिजीज, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो मलेरिया डिजीज है वो भी कम्युनिकेबल डिजीज के रूप में ही आता है। तो मलेरिया डिजीज सबसे पहले हम कम्युनिकेबल डिजीज को समझते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज? कम्युनिकेबल डिजीज है क्या? ऐसा डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से, ठीक है, मान लो ये इन्फेक्टेड पर्सन है, टू हेल्दी पर्सन को हो जाए। इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो जाए किसी भी चीज के थ्रू हो सकता है, वो एयर के थ्रू हो सकता है, किसी कैरियर के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, कॉन्टेंट के थ्रू हो सकता है, या उनके आपस के बीच के अंदर कोई किसी भी तरीके का रिलेशन है उसके थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। तो हेल्दी पर्सन को वो डिजीज हो गया एक इन्फेक्टेड पर्सन से, उस डिजीज को हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज कैरियर के कारण भी हो सकता है। कैरियर वो होगा जो इस डिजीज को इस इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक पहुंचा देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के अंदर हम लेंगे मलेरिया। मलेरिया में जो हम मोस्टली बोल देते हैं कि जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है उसके कारण होता है, बट जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो मॉस्किटो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कैरियर का काम करता है, ठीक है। वो डिजीज फैलाता तो है बट वो कैरियर का काम करता है। कैसे कैरियर का काम करता है? एक मलेरियल पर्सन है, मलेरियल पर्सन को आके किसी मॉस्किटो ने क्या किया, पर्सिंग किया, उससे खून निकाला, तो उसके ब्लड के अंदर जो मलेरिया वाले पैथोजन थे, मलेरिया को फैलाने वाला जो पैथोजन है वो कौन होगा, जो पैथोजन मलेरिया को फैलाएगा वो कौन होगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो यहां से जो मलेरियल पैथोजन थे उनको उठाया, अब इसी मॉस्किटो ने किसी हेल्दी पर्सन को काट लिया, हेल्दी पर्सन को काटा, तो इसने यहां के जो पैथोजन थे मलेरियल पैथोजन वो हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफर कर दिए, जिसके कारण इसको भी, इसके अंदर भी इन्फेक्शन हो गए, इसके अंदर इन्फेक्शन होने के कारण इसको भी मलेरिया हुआ। सो ये कैसा डिजीज था? कम्युनिकेबल डिजीज, किसी भी कैरियर के थ्रू फैल जाए उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। डेंगू को फैलाने वाला मच्छर होगा एडीज मॉस्किटो, एंड मलेरिया को फैलाने वाला जो मच्छर होगा मॉस्किटो होगा वो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होगा, ठीक है। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, तो कुछ एक डिजीज हैं जो ह्यूमन के अंदर वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, या फिर पैथोजन जैसे कि प्रोटोजोन, फंगस, इनके कारण जो ह्यूमन के अंदर होते हैं वो डिजीज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं डिजीज इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर डिजीज हो जाता है कई बार सिट्रस कैंकर, सिट्रस
सिट्रस, कैंकर, सिट्रस कैंकर, नाम से पता चल रहा है सिट्रस कैंकर कौन से प्लांट्स के अंदर होगा जो सिट्रस है, फॉर एग्जांपल नींबू आंवला इनके अंदर सिट्रस कैंकर होगा, तो ये किसके कारण होगा, बैक्टीरिया के कारण, और बैक्टीरिया किसके थ्रू फैल सकते हैं, एयर के थ्रू फैल सकते हैं। इसके अलावा रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं पूरी की पूरी खराब हो जाती है फंगस के कारण, और ये फंगस को फैलाने वाला एयर या फिर सीड्स फंगस फैल जाते हैं जमीन का। मोजाइक ऑफ भिंडी, भिंडी का जो डिजीज है वो किसके कारण फैलेगा, वायरस के कारण, और वो वायरस कहाँ से आएगा, इंसेक्ट से, कोई भी इंसेक्ट है उस वायरस को लेके आएगा तो इसके कारण ये डिजीज फैलेंगे। इसके अलावा अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन के अंदर या एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज फैलते हैं, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, तो ड्यू टू बैक्टीरिया कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं ह्यूमन के अंदर। बैक्टीरिया से रिलेटेड हम अगर डिजीज देखें, बैक्टीरिया कौन कौन से डिजीज को फैलाएगा ह्यूमन में, ट्यूबरकुलोसिस को फैलाएगा, कोलेरा एंड टाइफॉइड, ठीक है, इन डिजीज को कौन फैलाएगा, बैक्टीरिया फैलाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें वायरस की, वायरस भी कुछ एक डिजीज को फैलाएगा एनिमल्स के अंदर, कौन कौन से डिजीज होंगे वो, मीजल, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, मीजल, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, ये जो डिजीज हैं ये ड्यू टू वायरस, वायरस के कारण फैलेंगे। और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का मैंने आपको बता ही दिया कि मलेरिया, और आपको उस मलेरिया फैलाने वाले प्रोटोजोआ का नाम बताना है तो आप वीडियो पे कमेंट में उसको जरूर बताएंगे। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कोच, आइए उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रॉबर्ट कोच, इन्होंने बैक्टीरिया डिस्कवर किया था, बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया था, एंड एंथ्रेसिस, बेसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। बैसिलस एंथ्रेसिस क्या करता है, ये बैक्टीरिया एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स में माउथ एंड फीट दोनों डिजीज का काम करता है एनिमल्स के अंदर। बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया जो माउथ एंड फीट डिजीज का काम करता है मोस्टली कैटल के अंदर, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन जाता है, कई बार एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन कि बैसिलस एंथ्रेसिस या फिर माउथ एंड फीट डिजीज किसके कारण होते हैं एनिमल्स में, तो वो आ जाएगा बैक्टीरिया के कारण, या अगर बैक्टीरिया का नाम पूछ ले तो बैसिलस एंथ्रेसिस हो जाएगा हमारा। तो प्लांट के अंदर हमने डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स पढ़े, उसके अलावा फूड पॉइजनिंग आती है, तो फ्रेंड्स फूड पॉइजनिंग क्या होगी, कई बार बैक्टीरिया हमारे फूड के अंदर अटैक कर देते हैं, फंगस अटैक कर देती है, और उसी फूड को हम बाय चांस खा लेते हैं, हमें पता नहीं होता, तो उस फूड को खाने के कारण जो हमारा जो स्टमक है उस फूड को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो उसको वो इजेक्शन देगा बाहर की तरफ, जिसके कारण हमें क्या होने लगती है, वोमिटिंग, मीन फूड हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाई क्योंकि उस फूड के अंदर क्या हो सकता है, कुछ पॉइजनस चीज हो सकती है, सो वो उसको हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग, फूड स्टफ, ठीक है, फूड पॉइजनिंग।
इस कंडीशन को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर देते हैं वो फूड को कैसा बना देते हैं नेचर के अंदर, फूड पॉइजन के रूप में क्रिएट कर देते हैं, मीन फूड के अंदर अपना पॉइजन छोड़ देते हैं, कोई भी केमिकल है उसको वो रिलीज कर देते हैं, तो इस चीज को हम बोलेंगे फूड पॉइजनिंग। फूड प्रेजर्वेशन कैसे करेंगे, अगर हम घर पे हैं तो हमारे फूड प्रेजर्वेशन के मेथड क्या क्या होने चाहिए, फूड को हम प्रेजर्व कैसे करेंगे। फूड अगर हम प्रेजर्व कर रहे हैं तो उसको हम फ्रीज कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं या कवर कर सकते हैं, तो ये कुछ एक मेथड है फूड को प्रेजर्व करने के, अगर हम घर पे हैं तो इनको प्रेजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा फूड प्रेजर्वेशन के अलग अलग मेथड है, केमिकल मेथड और प्रेजर्वेशन, हीट, कोल्ड ट्रीटमेंट, इनको हम डीपली करेंगे हमारे अगले वीडियो के अंदर।